मोहम्मद शमी की जिंदगी में विवाद आ गया। एक ऐसा विवाद जो उनकी पत्नी हसीन लेकर आई, और उनके हसीन लम्हों को जब उन्होंने मीडिया में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया तो जिंदगी तूफान वाली हो गई। दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। लेकिन अब एक हल्की सी किरण फिर से फूट पड़ी। देहरादून से दिल्ली जाते वक्त शमी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शमी घायल हो गए। हसीन जहां घायल शमी को देखना चाहती हैं। हसीन जहां ने सोमवार को बताया था कि वो शमी को अपनी बेटी आर्या और एक गार्ड के साथ देखने जाने वाली हैं। इधर शमी के घायल होने की सूचना मिलते ही हसीन चिंता में भी थी। शमी के सर पर 9 टांके लगे। अस्पताल में कुछ देर तक रखने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। हसीन अब उनसे मिलने दिल्ली पहुंच गई हैं। जी हाँ, हसीन जो अब तक उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और झगड़ा इतना बड़ा था कि आए दिन वो शमी पर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाए जा रही थी और यहां तक भी उन्हें हवस का पुजारी तक बोल डाला था, अब वो उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। शमी जो कि चोट के बाद अब उभर रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और किस्मत वाले रहे कि वो उस एक्सीडेंट में बच गए। अब शमी को देखने के लिए हसीन रोक ना पाई खुद को और दिल्ली पहुंच गई हैं। तो हसीन जहां और मोहम्मद शमी की हसीन जिंदगी में शायद वो लम्हा दोबारा आ जाए जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। हसीन जहां पहुंची हैं दिल्ली शमी से मिलने, शमी की और इस मुलाकात जो होगी हसीन की, उसके बाद देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्या दोनों का पैचअप होता है, क्या शमी उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो हालात बने हैं उनके बाद इस रिश्ते की कड़वाहट को दूर कैसे करना होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल शमी से मिलने पहुंची हैं हसीन दिल्ली में।